सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मेरे सामने है बजाज की पल्सर NS200, जो आपका 2023 का नया एडिशन आया है। आज हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, जिसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे। इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद हम इसको पूरा चला के देखेंगे 1 लीटर में कितनी चलती है। कंपनी दावा करती है कि 40 से 45 का एवरेज दे देती है, तो आज हम ट्राई करते हैं कि 1 लीटर में कितना आपका ये बाइक चलता है। तो अभी मैं आपके सामने ये बाइक में पेट्रोल डाल रहा हूँ। तो गाइस, मैंने ये इसमें पेट्रोल डाल दिया है पूरा 1 लीटर। तो इसमें पेट्रोल डल चुका है 1 लीटर, और इसका जो ट्रिप है वो भी ज़ीरो है। अब जब हम वापस आएंगे तो इसमें देखेंगे कितना किलोमीटर चल चुका है 1 लीटर में। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो वैसे गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, और इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स आए हैं, ठीक है, BS7 में, जिसमें आपका गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर आपको इसमें दिया हुआ है। USD फोक्स के साथ है, इसमें ग्रेमिका के इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं इसमें आपको, और 300 mm की आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है, ठीक है। बाकी का इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो अभी हम इसका पूरा माइलेज टेस्ट करेंगे, पूरा जितना इसमें पेट्रोल डाला है, इसका एक एक बूंद जितना भी हमने इसमें डाला है सारा निचोड़ लेंगे इसमें से। तो अभी हम इसको है ना नॉर्मल भी चलाएंगे, फास्ट भी चलाएंगे, सब तरीके से इसको चला कर देखेंगे। और वैसे इसके ड्यूअल चैनल ABS भी इसको इसमें दिया हुआ है। पहले ड्यूअल चैनल नहीं आता था, पहले सिंगल चैनल ABS आता था, लेकिन अब इसमें ड्यूअल चैनल भी दे दिया है। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स भी आ गए इसमें। ग्रेमिका के आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएगी पहले आपको, और इसमें आपको एक USD फोक्स के साथ भी आपको इसमें दिया हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, मतलब जो आपको 6 गियर मिलते हैं आपको बजाज डोमिनार 250 में भी आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं है। तो आप देखो, अब NS200 में जो कि आपके बजाज डोमिनार 250 से भी थोड़े इजी, मतलब सस्ती है, सस्ती गाड़ी में भी इतना अच्छा फीचर दिया हुआ है। अगर किसी गाड़ी में गियर्स होते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि उसमें आपको वो कौन सी गियर में आपकी वो बाइक चल रही है। किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे। तो अभी हम इसकी छोटी से कंपैरिजन करेंगे आपका BS7 और BS6 में बेस्ट है, ठीक है। सो गाइस, अभी ये 23 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी अभी से थोड़े थोड़े झटके देने लग गई है, क्योंकि हमने गाड़ी फुल स्पीड पे भगाई थी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। तो ये काफ़ी अभी झटके देने लग गई है, और देखते हैं आगे इसका एक और कितना देर चल सकती है। गए। सो आप देख सकते हो ये 25.1 यानी 25 किलोमीटर के 25 का एवरेज दिया इसने अभी, जिसमें हमने एक ड्रैग शूट करी थी तो ये आराम से 35 का तो दे ही देती। हमने तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक हमने इसका फुल
टॉप स्पीड चेक किया, 150 के अराउंड ये पहुंच चुकी थी। और उसके बाद ज़्यादा चली नहीं, 25 किलोमीटर चल चुकी है ये, जैसे आप देख सकते हो। और इसका माइलेज टेस्ट हुआ तो 25 का इसका एवरेज निकला है अभी। वैसे कलर एडिशन में देखो कितना अच्छा कलर एडिशन है इसका। और BS7 आपका जो कंपनी दावा करती है 45 से 40 का, आप नॉर्मल 70 से 80 चलाओगे तो 45 का भी दे सकती है, ऐसा नहीं है। सो, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।